नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वे पंखा कंपनी से है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर पंखे किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। जहां पे यहां पे कटिंग हो रही है, एक जगह फिटिंग होती है और अलग अलग तरीके के कार्य किए जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं और आप भी इस कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने जा रही है। कंपनी का कहना है कि इनको इस तरीके के वर्कर चाहिए जो मेहनती हो, ईमानदार हो और कम पढ़े हो तो भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन काम अच्छे से कर सके। दोस्तों ये जॉब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होने जा रही है जो बेरोजगार हैं, कम पढ़े होने के कारण उनको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि कंपनी में इस प्रकार के सभी लोगों के लिए जॉब है। आगे मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस जॉब के लिए किस तरीके से आवेदन करेंगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, किन किन पदों के लिए है और क्या क्या कार्य करने होंगे, वो सारी जानकारियां मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों मैं बिना देर के आपको जॉब से जुड़ी सारी जानकारी दे देता हूं। भर्ती चल रही है तो ये हेल्पर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और सिक्योरिटी गार्ड, इन चार पदों के लिए इस समय भर्ती चल रही है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पे क्या क्या कार्य करना होगा वे भी इसमें बताया गया है। तो हेल्पर को फैक्ट्री के अंदर दूसरे की सहायता करना, पंखे बनाने में सहायता करना व आदि दूसरे जो भी हेल्पर के काम होंगे वे सब करने होंगे। वहीं फिटर की जिम्मेदारी होगी कि पंखे की फिटिंग से जुड़े हुए सभी प्रकार के काम, चाहे वे उसमें तार बांधना हो या कुछ और दूसरा हो, पैनकेटिंग हो, जो भी काम होंगे वे सब फिटर को करने होंगे। इलेक्ट्रीशियन का काम होगा पंखे की टेस्टिंग करना, जाँच करना, उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम तो चलने में तो नहीं है, वह दूसरे जो भी काम होते हैं इलेक्ट्रीशियन के वे उसको सब करने होंगे। सिक्योरिटी गार्ड के लिए सिक्योरिटी गार्ड को गार्ड की ड्यूटी करनी पड़ेगी, गेट की ड्यूटी करने पर हर आने जाने वाले की जांच करनी पड़ेगी, उसी रजिस्टर में एंट्री व दूसरे जो भी सिक्योरिटी गार्ड से जुड़े हुए कार्य होते हैं वे सब उसको करने होंगे। दोस्तों इसके लिए जो वेतन रहेगा वे 23,500 से लेकर 28,200 रुपये महीना के बीच में रहने जा रहा है और जो आपका वेतन तय किया जाएगा वे आपके पदों के अनुसार, जो भी आपका पद होगा उसके अनुसार तय किया जाएगा। इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए तो ये बता देता हूं मैं आपको। अनपढ़ 5वीं 8वीं 10वीं ITI कोई भी महिला व पुरुष इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है। आपके पास में कोई भी आधार कार्ड या वोटर कार्ड जैसी चीज होनी चाहिए। आपकी आयु आवेदन के समय 18 से 55 वर्ष के बीच में होनी अनिवार्य है। इस जॉब के लिए फ्रेशर अनुभवी दोनों ही जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको एक बायोडाटा भी देना होगा। इसके लिए आवेदन शुल्क कुछ नहीं रखा गया है, जीरो है। आप कितने भी आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों किस जगह के लिए है तो ये जान लेते हैं। तो ये हिसार, झांसी, जयपुर और चंडीगढ़, इन चार लोकेशन के लिए इस समय जॉब निकली हुई है। तो दोस्तों मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।